नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। महाराष्ट्र हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद शहमात का खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी के सामने जहां एंटी इनकम बेंसी फैक्टर से निपटने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद वापसी का मौका। इन दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की साख दांव पर है, लेकिन कांग्रेस के लिए स्थिति अभी भी सहज नजर नहीं आ रही। महाराष्ट्र और हरियाणा में पार्टी की अंदरूनी कलह कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता संजय निरुपम बगावत पर उतर आए हैं, पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो हरियाणा में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर भी बगावत की राह पर चल पड़े हैं। आरोप वही पुराने कि अपने चहेतों को मौका दिया जा रहा है, जबकि पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है जो पार्टी को मजबूत करने का मादा रखते हैं। उधर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रचार अभियान की कमान खुद संभालने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठता है कि इन हालातों में कांग्रेस आखिर कैसे वापसी कर पाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर राजनीति की बिसात बिछ गई है। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही सियासी शहमात का खेल शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुहरे सोच समझ कर चल रहे हैं। जहां सत्ताधारी बीजेपी के लिए दोनों राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी लहर की चुनौती का सामना करते हुए सत्ता में बने रहना होगा, तो वहीं कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की करारी हार को भुलाकर एक बार फिर पार्टी को नई दिशा दिखानी होगी। हताश पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकनी होगी और देश की जनता को ये बताना होगा कि पार्टी में अभी भी दम बाकी है। इसी के मद्देनजर पार्टी नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा में 10 अक्टूबर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। 19 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रचार अभियान में वो रोड शो करेंगे और चुनावी रैलियों को संबोधित भी करेंगे। हालांकि राहुल के चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। टिकट वितरण से नाराज हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर बागी होने की राह पर हैं। अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी की सभी कमेटियों से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो सिर्फ कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस अब हुड्डा कांग्रेस में तब्दील होती जा रही है। अगर कांग्रेस यहां पर हारी तो वही लोग जिम्मेदार होंगे जिन्होंने कांग्रेस का बीड़ा गर्क करने में अहम भूमिका निभाई। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में उम्मीदवार तय करने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हनक साफ दिखाई दी। माना जा रहा है कि राज्य की 90 सीटों में से करीब 7 सीटें हुड्डा खेमे के पास गई हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक दर्जन से ज्यादा ऐसे परिवारों को टिकट दिया जो पिछला चुनाव हार चुके हैं। पार्टी ने चेहरा बदलकर उनके बच्चों को मैदान में उतारा है। एक परिवार का एक टिकट का फॉर्मूला नहीं चल पाया। वरिष्ठ नेताओं ने अपनी नई पीढ़ी को आगे कर उन्हें टिकट दिलाए। राजनीतिक घरानों में चौधरी भजनलाल के दोनों बेटों कुलदीप बिश्नोई और चंद्र मोहन को टिकट मिला। चौधरी वंशीलाल के परिवार से 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, बहू किरण चौधरी, बड़ा बेटा रणवीर महिंद्रा और दामाद सोमवीर सिंह को टिकट दी गई। जबकि पूर्व मंत्रियों में महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप और शिवचरण शर्मा के बेटे नीरज शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह चट्टा के बेटे मनदीप सिंह चट्टा, फूलचंद मौलाना के बेटे वरुण चौधरी फिर से चुनावी मैदान में, जबकि केवी विस्त के बेटे अमित सिहाग भी मैदान में। हालांकि अमित युवा कांग्रेस से जुड़े रहे। उधर महाराष्ट्र में भी मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा दिए और अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने के संकेत भी दे दिए। संजय निरुपम ने ट्वीट किया कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब मेरी सेवाएं नहीं चाहती। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई में सिर्फ एक नाम की सिफारिश की थी, सुना कि इसे भी खारिज कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले नेतृत्व को बताया था, उस स्थिति में मैं चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लूंगा, ये मेरा अंतिम निर्णय। इसके अलावा संजय निरुपम ने एक और ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि पार्टी को गुड बाय कहने का वक्त अभी नहीं आया, लेकिन लीडरशिप जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव कर रही है उससे लगता है कि ये दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। It's too vague a statement. What is it that she is willing to accept the she is or all this will depends on the detail of conversation and the decisions taken which is not available. इससे पहले भी महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता विपक्ष और उसकी सहयोगी एनसीपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं
और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बात अगर 2014 लोकसभा चुनाव की करें तो बीजेपी शिवसेना ने 48 में से 41 सीटों पर कब्जा किया था और उनका वोट प्रतिशत 50% के आसपास था। बाद में उसी साल हुई विधानसभा चुनाव में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। बीजेपी को 122, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42, जबकि एनसीपी को 41 सीटें मिली थी। इन चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़े थे, लेकिन किसी भी दल को बहुमत न मिलने पर इन्होंने साथ मिलकर सरकार बनाई। अब 2019 में बीजेपी शिवसेना को लोकसभा चुनावों में 50.88% वोट मिले। दोनों ने 48 में से 41 सीटें जीती, जबकि 31.79% वोट प्रतिशत के साथ कांग्रेस एनसीपी को सिर्फ 5 सीटें मिल पाई। ऐसे में साफ जाहिर है कि मोदी लहर के सामने कोई भी विपक्षी दल ठहर नहीं सका। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। और अगर यही ट्रेंड जारी रहता है और पिछले सालों के वोट पैटर्न को देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए चुनावी वैतरणी को पार लगाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ तो महाराष्ट्र और हरियाणा में सियासी घमासान मचना शुरू हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की राह में कई कांटे हैं जो अब भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस आखिर कैसे कर पाएगी, वो भी उन परिस्थितियों में जब कांग्रेस के कई बड़े नेता बगावत पर उतर आए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। डॉक्टर पीएन राय जी मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। लखनऊ से हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आपसे कुछ ही देर बाद और भी मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैं डॉक्टर पीएन राय साहब आपसे ही करना चाहूंगा। महाराष्ट्र और हरियाणा में जो भी राजनीतिक गतिविधियां इस वक्त देखने को मिल रही है, आपका आकलन क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जो पुराने जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को देखते हुए और जो आज की परिस्थितियां हैं, दोनों के अगर समीकरण बैठाया जाए तो कांग्रेस अभी भी बहुत संघर्ष की स्थिति में नहीं दिखाई दे पा रही है। एक के बाद एक संगठनात्मक चुनाव में बार बार लोगों को हटाना, एक किसी व्यक्ति को सुचारू रूप से काम न करने देना और जो निचला कैडर का उसको भी बांध कर ये लोग नहीं चल पा रहे हैं, आम पब्लिक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं उसको भी उठाकर ये सड़क पर या कहीं पर प्रदर्शन के माध्यम से उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी में स्थिति में जहां कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं है, शीर्ष नेतृत्व नहीं है जी, ऐसा कोई चेहरा नहीं है स्टेट में जो कि उसको प्रायोजित मानकर कार्यकर्ता उसके पीछे इकट्ठा हो सके, तो चुनाव की बेला में कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं होंगे, ये पहले का पूर्ववर्ती पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो पाई है इनकी। जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें पराजय के मूल कारण भी वही थे कि इनके लिए इनकम वैसी थी। इस 5 साल के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, इनकम्बेंसी भाजपा के लिए है, लेकिन उसके फायदे उठाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही है कि वह प्रबल सत्ता छीनने की स्थिति में हो अथवा अपने जो आंकड़े हैं उसको बढ़ाने की स्थिति में हो। उनके एक के बाद एक नेता अपने समर्थकों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो धमकियां देते जा रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं जी, या हम सुनने की स्थिति में रहेंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे। तो ऐसी अवस्था में ये सोच लेना कि कांग्रेस कहीं निर्णायक की स्थिति में आएगी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, यानी आपको ये लग रहा है कि जो मौजूदा परिस्थिति जिस तरह की देखने को मिल रही है, जो सबक लेने की बात कही जा रही थी कि कांग्रेस क्या वाकई में पिछले शिकस्त से कोई सबक लेगी। गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा, जिस तरह की बगावत अब चाहे महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो कांग्रेस में देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बावजूद पार्टी ने किसी तरह का कोई सबक लिया, वही पुराना ढर्रा नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है स्थितियां लोकसभा चुनाव की तुलना में और खराब हुई है। पार्टी ने सबक लेना तो बहुत दूर की बात है, अपने को ठीक करने की किसी भी तरह की कोई कोशिश की शुरुआत तक नहीं।
आप देखिए किस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हुआ और पार्टी के अंदर एक इतने संकट के वक्त में, इतनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जिस तरह का नेतृत्व होना चाहिए था उसको सामने ला सकने में पार्टी अक्षम रही और आखिर में मजबूरी का नाम सोनिया गांधी और फिर से सोनिया गांधी को एक तरह से जिम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि पार्टी न तो रचनात्मक तौर पर किसी तरह के कार्यक्रम में विश्वास रखती है, पार्टी न सिद्धांत के स्तर पर इन्हीं बातों को लेकर आगे चल पा रही है और न पार्टी नेतृत्व के स्तर पर चीजों को आगे कर पा रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक भयानक हताशा का दौर कांग्रेस के साथ है। 10 साल सत्ता का सुख उन्होंने पाया जी। चले मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा भी जुड़ गए हैं, आप नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बताओ प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है डॉक्टर खैरा साहब। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किसी भी अगर राजनीतिक दल की बात की जाए तो ये किस तरह की परिस्थिति होती है जब पार्टी के भीतर नेता कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने तलवारें लेकर खड़े हो जाए। देखिए हालांकि चुनाव तो चुनाव ही होता है, जनता ही इसमें फैसला करती है, इसके बावजूद भी जो परिस्थितियाँ विरोधी दलों ने पैदा कर ली, जिस तरह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहे पिछले कुछ बरसों में, उससे तो ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव वॉकओवर दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई मुकाबला चुनाव में दिखाई देगा, वो मैंने पहले कह दिया चुनाव तो चुनाव होता है, जनता फैसला करती है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है हालात जो दिखाई दे रहा है, जो कांग्रेस ने हरकत पीछे जो राजनीतिक गलतियां की हैं बराबर एक के बाद एक के बाद एक, ना तो उनके पास संगठन है, पिट गया बिल्कुल दोनों जगह, ना महाराष्ट्र में ना हरियाणा में, अच्छा और ना बल्कि भारतवर्ष में हमें कहना चाहिए तो, और ना ही उनके पास नेतृत्व है। इन्होंने राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी ने, मुख्य विरोधी दल वही है इसलिए उसी की चर्चा मैं करूँगा इस समय, इस समय राहुल गांधी जी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और वो फेल हो गए उसमें, उनके फेल होने के बाद लगातार फेल हो गए तो उनको नए अध्यक्ष की तलाश की जरूरत पड़ी, फिर उन्होंने वही काम किया जो पहले फेल हो चुकी थी सोनिया गांधी जी, उनको दोबारा अध्यक्ष बना दिया गया। इधर अब अलग अलग बात करें, जैसे हरियाणा की बात से अगर शुरुआत करते हैं हम, तो हरियाणा में सबसे बड़ी मुसीबत एक और है, उनकी अंदरूनी लड़ाई इतनी है, कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है, वहाँ पर सारे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, चाहे वो शैलजा जी हो, चाहे तंवर साहब हो, चाहे हुडा साहब हो। हाँ एक निर्णय उनका जो दिखाई दे रहा है टिकट देने में भूपेंद्र सिंह हुडा की चली है और उनको लॉइंस शेयर सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं को ही मिल गया है, ये साथ दिखाई दे रहा है। अब हुडा जी के पास जरूर एक बात है कि वो एक बड़े भारी सेनानी के बेटे हैं, खुद इतने समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनकी पकड़ है क्षेत्र में और उनको जानकारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जो पार्टी की गलतियां हैं उसमें हुडा जी क्या कर पाएंगे, कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं और जो इनके अंदरूनी जितने मसले और लड़ाइयां हैं, जैसे तंवर साहब ने कल ही इस्तीफा दे दिया पदों से, सारे पदों से, तो अब इन सब हालात में, दूसरी बात वो ऐसी श्रेणी से आते हैं रिजर्व कैटेगरी से, मतलब जो थोड़ा बहुत उनका वोट रिजर्व कैटेगरी का है, तंवर की नाराजगी के कारण कहाँ जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी पहले ही जान चुकी है कि हरियाणा में कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं, एक तरफा चुनाव दिखाई दे रहा है। यानी आपको लग रहा है कि कांग्रेस की जो कमजोरी है वो बीजेपी के लिए और ताकत बनने का काम करेगी। मेरे साथ हसीब अहमद साहब भी जुड़ गए हैं प्रयागराज से, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हसीब साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या माना जाए कांग्रेस में जो भी परिस्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा, यानी लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बावजूद भी कोई परिवर्तन आपको लग रहा है कि हुआ? देखिए अक्षय जी, मैं एक मिनट का समय आप मुझे दे दीजिएगा, मैं एक मिनट में अपनी पूरी बात समाप्त कर दूंगा। जी 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 अक्षय जी, हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है वहां चुनाव कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि चुनाव वहां पर वहां की जनता लड़ रही है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, उनके सहयोगी दल हैं। मगर इन सब का सूत्रधार अगर कोई बना है तो कांग्रेस पार्टी बनी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी नाराजगी शीर्ष नेतृत्व से जाहिर करने का काम किया, ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र है, ये कांग्रेस का संविधान है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। मगर सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी और
इनके तमाम जो सहयोगी दल, इनके पेट में दर्द होना इसलिए लाजमी है क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी जमीन में दरार पड़ चुकी है। आज हरियाणा और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और खट्टर साहब की सरकारों से वहां की जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। भ्रष्टाचार चरम पर रहा है, अपराध पर अंकुश लगाने में ये नाकाम साबित हुए हैं, महंगाई पर कंट्रोल करने में इनकी सरकार विफल हुई है, इसलिए चुनाव वहां पर जनता लड़ेगी मगर सूत्रधार कांग्रेस होगी। सर मुझे बताइए ना कि जो सूत्रधार है कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि कुछ सीटों को छोड़ के महाराष्ट्र में बाकी जगहों पर जमानत जब्त होने जा रही है, ये भविष्यवाणी आपकी पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं जिन पर दारोमदार है, कैसे नहीं आ पा रही है? कुछ नहीं है, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी और तमाम पार्टी के जो आला नेता हैं वो इस बात का फैसला कर चुके हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरीके का चुनाव होने जा रहा है वो चुनाव होगा जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। वहां पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस बार हारेगी, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। सर, नहीं, हसीब अहमद साहब, ये दावे इससे पहले भी चुनाव जो देश के अन्य हिस्सों में हुए, चाहे वो विधानसभा के हों या फिर लोकसभा चुनाव के हों, ये दावे तो कांग्रेस खूब कर देती है, लेकिन आपके दावों का दम नहीं लगता कि आपकी पार्टी के नेता निकाल देते हैं? वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा मॉडल दोषपूर्ण हो चुका है, कैसे सुधार की फिर उम्मीद की जाए? कौन सा वो चमत्कार आपको लगता है कि जिसकी वजह से लग रहा है कि पार्टी एक बार फिर अपने स्टैंड पर खड़ी होगी? अक्षय भाई कुल मिलाकर के कहना यह है कि हरियाणा और मध्य प्रदेश में हमारे पास चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी नेता नहीं है, हमारे पास संजय निरुपम जैसा चेहरा है जो अपने शीर्ष नेतृत्व से अपनी बात कह सकता है। सर वो तो स्पष्ट तौर पर यही कह रहे हैं हसीब अहमद साहब, उन्होंने तो सीधा आरोप यही लगाया कि दिल्ली में बैठे नेताओं में समझ नहीं है, वो समझते नहीं कि पार्टी को कैसे स्टैंड करना है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, वो तो सीधा नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि पार्टी छोड़नी भी पड़ सकती है। कांग्रेसी थे ही नहीं कभी, वो तो इस्तीफा लेकर बैठे थे। अक्षय भाई दिल्ली में सिर्फ राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी नहीं बैठती है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बैठते हैं और कांग्रेस के भी 1000 से अधिक नेता बैठते हैं। मगर सोचने वाली बात, संजय निरुपम क्या बीजेपी नेताओं से अपनी राजकुमारी करने लगे क्या? हसीब अहमद साहब, इनके नेता अगर आपकी पार्टी के नेता कोई विचार विमर्श करेंगे तो अपने पार्टी आलाकमान से करेंगे या दूसरे दलों के नेताओं से? क्या कह रहे हैं आप ये? नहीं, हम नहीं, कांग्रेस का संविधान ये है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के संविधान में छोटे से छोटा कार्यकर्ता। चलिए ठीक है, दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर पीएन राय साहब, ये ठीक है, ये हम समझते हैं कि किसी भी कार्यकर्ता का ये रुख होना चाहिए अपने पार्टी के प्रति, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जिन सूरमाओं के कांधे पर जिम्मेदारी होती है कि इन्हें चुनाव में बेहतर स्थिति में पार्टी को पहुंचाना है, अगर वही नेता पार्टी में बगावत पर आमादा हो जाएं तो फिर ये तो दिलासा देना जैसा नहीं है जैसा हसीब अहमद साहब कह रहे हैं। हसीब साहब एक कार्यकर्ता हैं इसलिए अपने पार्टी की तो बातें करेंगे ही, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ संगठन को चलाने वाला कोई है ही नहीं, संगठन पूरी तरह से बिखर चुका है और जो परिस्थितियां हैं जो सतही तौर पर उनका मुकाबला करने के लिए इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, सब लोग धराशायी हैं, एक दूसरे के ऊपर केवल मुद्दे उछालकर अपनी कमजोरियों को छिपाने का प्रयास केवल किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस कहां सरवाइव करेगी? जो स्थिति हरियाणा की है जी, वही स्थिति आपकी जो है महाराष्ट्र की है। कृपा शंकर सिंह किनारे हो गए, संजय निरुपम किनारे हो रहे हैं, अभी तमाम जो लोकसभा के समय में इनके पार्टी ज्वाइन किए नए नए लोग वो लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं इनको, तो कहां लड़ेंगे? कौन मतदाता है इनका? कौन जनता लड़ रही है इनके साथ? दिक्कत ये है, हम दिशा दिवा स्वप्न देखेंगे तो उससे पार्टी नहीं चलती है, उससे संगठन नहीं चलता है, संगठन के निचले स्तर पर जाकर उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। धीरे धीरे स्थिति ये आई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों में बैठ गए, दूसरी पार्टियों की सदस्यता ग्रहण कर लिए, जी तो अब किसके बल पर चुनाव लड़े? गोविंद जी, सवाल यही कि एक तरफ बीजेपी की रणनीति है, दूसरी तरफ मोदी जैसा चेहरा जिसका फायदा बीजेपी हर चुनाव में उठाने का प्रयास करती है, ऐसे में चुनावी वैतरणी को पार करना, जितना हसीब अहमद साहब इस बात को लेकर दम भर रहे हैं कि इस बार तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये अति आत्मविश्वास है या फिर वाकई में आपको आत्मविश्वास झलक रहा है इसमें?
नहीं, मुझे लगता है कि उनकी खुशफहमी है और एक तरह का दिवा स्वप्न है। वो ये मान के चल रहे हैं कि इन राज्यों में चुनाव बीजेपी के खिलाफ हो रहा है और बीजेपी के खिलाफ जनता लड़ रही है और कांग्रेस उसकी सूत्रधार, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि जिन राज्यों में वो कांग्रेस को सूत्रधार बता रहे हैं वहां कांग्रेस का पंटाधार हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो स्थितियां हैं वही स्थितियां इन राज्यों में। आपके कुछ समय पहले तक के जो अध्यक्ष थे अशोक तंवर, उनको दिल्ली में आकर हरियाणा की पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा था, और प्रदर्शन उन्होंने खाली मुद्दों के लिए लोग को लेकर नहीं कहा था, उन्होंने तो ये तक कहा था कि जो विधानसभा का टिकट है वो करोड़ों रुपए में बेचे जा रहे हैं, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा उसको बेच रहे हैं, और सोना विधानसभा के बारे में तो उन्होंने कहा था कि 5 करोड़ में टिकट बिकाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि ये तो बीजेपी के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग जैसी कोशिशें की जा रही। तो इसके बाद अगर ये कहा जाए कि हम वहाँ सूत्रधार हैं पार्टी में, जैसे अभी यहाँ पर चर्चा के दौरान बात आई कि कम से कम 6 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और वो 6 के 6 मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा उनमें से कोई भी ऐसा है जो अपने पीछे पर 10 सीटें भी पार्टी को जिता सके। वैक्यूम वहाँ पर हो सकता है, वैक्यूम वहाँ पर है, लेकिन उस वैक्यूम को भरने के लिए राजनीति में ऐसा नहीं होता कि वो आप पेड़ के नीचे लेते हैं और फल अपने आप आपके मुंह पर आके गिर जाएगा, आपको हाथ पैर चलाने पड़े। दिक्कत यह है कि कांग्रेस में न तो हाथ पैर चलाने वाले लोग बचे हैं और न उनको ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए किसी तरह का कोई कदम। कांग्रेस एक रिटायर्ड पार्टी के तौर पर चल रही है, पार्टी के अध्यक्ष हों, पार्टी के जो कुछ समय पहले तक के अध्यक्ष थे वो हों, या पार्टी के जो तीसरी नेता प्रियंका गांधी हो, वो उनके लिए पार्टी मुझे लगता है कि एक एक तरह का जो जागीर जैसी है, तो जागीर के आखिरी जो मुगल या आखिरी शहंशाहों के तौर पर वो उस जागीर को चला रहे हैं। उनका उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है जो पार्टी में जान फूक है पार्टी को आगे लाए। संजय निरूपम अगर ये कहते हैं कि पार्टी ने जो पार्टी का जो मूल सिद्धांत था कि पार्टी महिलाओं के लिए काम करती है, पार्टी दलितों के लिए काम करती है, पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए काम करती है, आपने महाराष्ट्र में टिकटों के बंटवारे में अल्पसंख्यकों को उनके साथ न्याय नहीं किया, तो अगर ये आरोप लग रहे हैं तो ये आरोप खाली बीजेपी चुनाव हार रही है और हम चुनाव जीत रहे हैं इस उम्मीद पर आप इस भरोसे बैठे हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये दिन का सपना ही जैसा है और इससे ज्यादा कुछ। कांग्रेस के लिए अब इन राज्यों में चुनाव की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को अगर वो अपने पक्ष में करना चाहती तो पार्टी में एकजुटता जरूरी थी, पार्टी में मजबूत संगठन जरूरी था, पार्टी में एक एजेंडा होना जरूरी था। संजय निरुपम ने तो मुंबई महाराष्ट्र में यहां तक आरोप लगाया कि पार्टी ने अभी तक चुनाव लड़ने के लिए जो अखबारों और चैनल्स में और दूसरी जगह जो विज्ञापन के लिए समय मांगा जाता है वो समय तक उन्होंने उसकी कार्रवाई नहीं की, होल्डिंग्स लगाने के लिए जो आवेदन किए जाते हैं उस तरह के आवेदन तक नहीं थी। चुनाव में दिन किसने बचे? अगर पार्टी ऐसे चुनाव करेगी और ये उसके बाद ये मान के इस खुशफहमी में बैठी रहेगी कि सूत्रधार हम हैं, जनता चुनाव लड़ रही है और हम चुनाव जीतेंगे, तो मुझे लगता है कि ये चले बिल्कुल यानी आप कह रहे हैं कि ये ख्याली पुलाव से ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि अगर परीक्षा की घड़ी नजदीक है और छात्रों की तैयारी बता देती है कि वो परीक्षा में कितना अंक हासिल कर सकते हैं, ये सब तैयारियों पर निर्भर होता है। लेकिन डॉक्टर विजय खैरा साहब, एक ये तो बीजेपी के लिए बेहतर मौका आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस में जितनी अंदरूनी कलह होगी उसका फायदा भी मिलेगा, और साथ ही परिवारवाद को लेकर एक बार फिर जो बीजेपी आरोप लगाती रही है, परिवारवाद हरियाणा में कम से कम एक बार फिर हावी होता दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसे भी आप भी कह रहे थे, ये सत्य है, मोदी जी का नेतृत्व हमको हर जगह चुनाव जिता देगा, जिता रहा है, उनका काम है, टावरिंग पर्सनालिटी है, विश्व भर में उनका नाम चल रहा है, इन सबके फायदे तो होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लस में हैं। ये अब हम छोड़ दें, एक तरफ कांग्रेस का घर डूब रहा है, नाव डूब रही है, उसको हम छोड़ भी दें, कांग्रेस सब कुछ करे ठीक तब भी, पर परिस्थितियां जिस तरह से बीजेपी ने उनके लिए उत्पन्न कर दी हैं, विकास की राह चला के जनता को का मन जीत के, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर इस समय सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, इसी तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरह से काम हुआ है, और दूसरी बात आप अब जैसे अभी हरियाणा की तो हमने बता ही दिया, इन लोगों ने जिस तरह परिवार को टिकट दिए वो तो है ही,
बार बार हारने वालों को भी टिकट देते जाते हैं। रंजीत सिंह सुरजेवाला उनके क्लोज है तो वो लोकसभा भी हारे, विधानसभा भी हारे, फिर उनको लड़ाई दिया जा रहा है। मतलब उनके पास अल्टरनेटिव है ही नहीं, जो हाईकमांड के चारों तरफ घूमते रहते हैं। वो बात निरुपम जी ने जो बोली है वो तो सत्य ही है, उन्हीं को टिकट मिल जाते हैं, उन्हीं के बच्चों को टिकट मिल जाते हैं, ये खामियाजा तो वो भुगतेंगे। चुनाव के दौरान इस तरह की चीजें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। लेकिन महाराष्ट्र, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो जो मुद्दे होते हैं स्थानीय मुद्दे, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में, वही मुद्दे मैटर करते हैं? जिन चीजों का भी हसीब बाबा साहब जिक्र कर रहे थे कि तमाम मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को जनता के बीच में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्या आपको नहीं लगा कि विपक्ष का मजबूत ना होना ये प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए ज्यादा हो गया कि वो मुद्दों को धार नहीं दे पा रहे हैं? इसका भी फायदा आपके फेवर में जा रहा है? वो तो सेकेंडरी बात है, हमको तो मुद्दों पर ही जाना है। हम लोकसभा में भी वही लड़ाई मुद्दों पर, विकास पे लड़े थे। कितना बड़ा फैक्टर और हमारा इनकम बेसी तो उनके साथ होती है ना, जो काम नहीं करते हैं। हमें इनकम बेसी का क्या डर है? मुझे इतना काम हरियाणा में करके दिखा दिया है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में ही देख लीजिए आप, अगर इनकम बेसी जरा सी भी होती तो हमको 50% वोट मिलते लोकसभा में। उसके पहले हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में जीते बिना शिवसेना के। बिना शिवसेना के बिना आपने कहा ना कि जनता तो जनार्दन है, जनता खुद तय करेगी कि किस पर वो विश्वास करती है। मैं ब्रेक पर जाने से पहले हसीब अहमद साहब आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आपने जो बात कही है कि हम जीत हर हाल में दर्ज करेंगे क्योंकि जनता आजिद आ चुकी है बीजेपी की सरकार से, तैयारी आपको नहीं लगता कि छात्रों की तैयारी बता देती है कि वो कॉपी में क्या लिखने जा रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा? देखिए, जिस्म से साई यहाँ दूर से गुजरते हैं, यहाँ चिराग ख्याले हवा से डरते हैं, और बैनरों से मेरे शहर को ढाकने वालों सैकड़ों लोग यहाँ बेकफन भी मरते हैं। तो कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखती है। आपको लगा है, आपको लग रहा है शेरो शायरी से जनता में प्रभाव पड़ जाएगा? अहमद साहब, आपको लग रहा है कि शेर सुनाने से जनता इतनी मोहित हो जाएगी कि वो पार्टी के प्रति? मुझे बात कह लेने दीजिए, मुझे बात कह लेने दीजिए। देखिए, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन धरातल पर आ रही है सर, हम यही तो कह रहे हैं हसीब अहमद साहब, हम यही तो पूछ रहे हैं कि इन मुद्दों को क्या आपकी पार्टी उठा पाने में कामयाब रही है? कि जिन मुद्दे को आप गिना रहे हैं, आपको लग रहा है हम नहीं उठा रहे हैं? हमारी पार्टी किसी मुद्दे को नहीं उठा रही है, बल्कि इस देश की जनता सारे मुद्दों को उठा करके चले। यानी कि गेंद आपने जनता के पाले में फेंक दी कि जनता ही निर्णय कर ले, जनता निर्णय कर ले। मैं डॉक्टर साहब एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, ये क्या कहा जाए? जैसे संजय निरुपम साहब का बयान सामने आ जाए, ये माना जा सकता है कि चुनावों के दौरान इस तरह की नाराजगी देखने को मिलती है टिकट बंटवारे को लेकर, लेकिन पार्टी के बड़े नेता अगर यहाँ तक कहना शुरू कर दें कि पार्टी आला कमान में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, अब पार्टी से जाने का वक्त हो चुका है, यहाँ तक भविष्यवाणी चुनाव से पहले अगर की जाने लगे कि भाई कुछ सीटों को छोड़ दें तो पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है, इसका क्या प्रभाव आम जनता में पड़ता है और इसका कितना असर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ता है? क्या मनोबल टूटता नहीं कार्यकर्ताओं का? देखिए, मैं हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इनके पास कैडर बेस कार्यकर्ता आज की डेट में है नहीं। जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक की नाराजगी जहाँ पर है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर सत्ता के साथ है। ठीक, राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आर्थिक स्थितियां डामाडोल इस समय है, लेकिन उसको भी कंट्रोल के उपाय ये बार बार कर रहे हैं, प्रयास है कि वो तो एक विश्व ग्लोबल स्तर पर जो आर्थिक मंदी है उससे हम भी जूझ रहे हैं। लेकिन अब ये कैसे लड़ें? इनके पास जब कार्यकर्ता नहीं है तो वोटर को कौन समझाएगा? क्या वोटर अपने से आकर इनको दे देगा? इनके अच्छे कोई काम बहुत हुए हो तो ठीक है। महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि इनके कार्यकर्ता पूरी तरह से हतोत्साहित हैं। जो इनका आज तक इनका एनसीपी के साथ जो समीकरण बन रहा है, अभी सीटों का फाइनल आज तक नहीं हुआ, जबकि आज नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है वहां पर शायद। तो ऐसी स्थिति में कौन उनका कैंडिडेट होगा, किस पार्टी को कौन कहां समर्थन देगा, उसको जब निश्चित नहीं कर पाए तो लड़ेंगे कहां? और चुनाव से ऐन पहले पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना, ये कितना खतरे की घंटी है, बड़े खतरे की घंटी है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की, चुनावों का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद क्या कांग्रेस ने सबक लिया है?
सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं। मैं हसीब अहमद साहब आपके पास आऊंगा, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन एक और आरोप संजय निरुपम की तरफ से है कि सोनिया गांधी के साथ जुड़े लोग साजिश रच रहे हैं और पार्टी के अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं के हक पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक आरोप लग रहे हैं हरियाणा में कि हुड्डा साहब ने तो हाईजैक कर लिया कांग्रेस को हरियाणा में। ऐसा कुछ नहीं है अक्षय भाई, संजय निरुपम जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं में, सबसे वरिष्ठतम नेताओं में शीर्ष कुर्सी पर बैठे हुए हैं। संजय निरुपम के कुछ ना कुछ नाराजगियां हैं, उसको हम अपनी पार्टी के अंदर बैठ करके बात करेंगे। तो सर ये बाहर आदमी कहता है घर का झगड़ा कर बाहर आप खुद ले जाएंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। बात कब करेंगे? संजय निरुपम तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कोई झगड़ा नहीं है, कि दिल्ली में बैठे नेताओं में समझ की कमी है। अक्षय जी, संजय निरुपम जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं अपनी बात श्रीमती सोनिया जी के दरवाजे पर रखने का काम करूंगा, क्योंकि पार्टी के नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक अपनी बात पहुंचाने का पूर्ण अधिकार कांग्रेस पार्टी के अंदर है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्य में कांग्रेस को इसी तरीके से देखा जा रहा था कि कांग्रेस वहां सत्ता से दूर रहेगी और वहां जनता कांग्रेस के विपरीत मत करेगी। मगर जब वहां पर जनता ने मत का प्रयोग किया और जब परिणाम आया, पूरा देश भौचक रह गया। छत्तीसगढ़ में दुनिया के एग्जिट पोल ने यह कहा था कि कांग्रेस 8 से 12 सीट पाने का काम करेगी, मगर परिणाम, अक्षय भाई आपके इसी चैनल पर डिबेट पर मैं इसी मुद्दे पर बैठा भी हूँ, अब आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किस पायदान पर थी और कांग्रेस किस पायदान पर थी। और आज भी डिबेट इसी मुद्दे पर हो रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस का कोई जमीन नहीं है, कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस सत्ता से दूर हो चुकी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रीढ़ टूट चुकी है। बड़े शर्म की बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के बारे में, जिसने आजादी के पीछे अपने तमाम वीरों को कुर्बान करने का काम किया, उसके प्रति इस तरीके से द्वेष की भावना रखते हुए लोग, तो सवाल तो यही ना कि द्वेष की भावना किसी दूसरे में हो तो समझ में आती है। कांग्रेस मध्य प्रदेश और हरियाणा के अंदर सुन तो लीजिए, नहीं लड़ेगी, बल्कि ये द्वेष की भावना अगर आपकी पार्टी के नेताओं में हो जाएगी तो फिर दिक्कत तो हम यही बात कर रहे हैं कि मुकाबला कैसे कीजिएगा, जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा मॉडल दोषमुक्त हो चुका है। अशोक तंवर कह रहे हैं कि पार्टी को हाईजैक करने का काम किया जा रहा है। संजय निरुपम आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो पूरी तरह से साजिश रच रहे हैं, पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं, गर्त में ढकेल रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, क्या वर्तमान में जीना चाह रहे हैं या आप पूर्व में ही अभी रहना चाहते हैं? नहीं, हम पूर्व और वर्तमान अक्षय जी दोनों पर बात करेंगे। मुद्दा सबसे बड़ा देश के अंदर अगर कोई है अक्षय जी, तो महिलाओं और गृहिणियों के किचन का है। महंगाई के मुद्दे पर आखिर क्यों बात, कहां मुद्दा उठा पा रहे हैं आप लोग? सवाल तो यही है, भारतीय जनता पार्टी आपस में उलझा रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, मुद्दे पर क्यों चर्चा कराना चाहती है? हम यही तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता कांग्रेस के नेताओं से आखिर क्यों द्वेष की भावना रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के क्यों क्षेत्र का चुनाव लड़ना चाहती है? पास गोविंद जी, एक रिएक्शन में आपसे, इस पर मैं डॉक्टर खैरा साहब आपके पास आ रहा हूं। गोविंद जी, ये क्या कहा जाए, जो हम कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस वाकई में सबक लेगी कि पूर्व में क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को किस तरह से दूर करके पार्टी को मजबूत किया जाए, अपने कैडर को मजबूत किया जाए, ये लक्षण आपको दिख रहे हैं मजबूती वाले? मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूँ, कांग्रेस दिन में सपने देख रही है और अतीत जीवी पार्टी बनकर रह गई। आप इतिहास में आप क्या थे और आपने क्या किया, और असल बात तो ये है कि जिस कांग्रेस ने भारत को आजादी दिलाई वो आज की कांग्रेस नहीं, उस कांग्रेस को तो महात्मा गांधी चाहते थे कि उसका रोल खत्म हो गया और अब वो कांग्रेस वही खत्म कर दी जाए। इतने वर्षों तक आप उसका नाम बेचते रहे और किसी तरह सत्ता में बने रहे, आज भी आप आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष सवाल उठाता है, हमारे लोगों की बातों को गलत तरीके से रखा जाता है। क्या अशोक तंवर विपक्ष के नेता है जो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी का संगठन, पूरी पार्टी का ढांचा वहां पर खत्म कर दिया गया है, जमींदारों के हाथ में गिरवी रख दिया गया है? क्या संजय निरुपम बाहरी नेता है, दूसरी पार्टी के नेता है, जो ये कह रहे हैं कि, यहाँ तक कह रहे हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी के साथ काम करने वाले लोगों को एक एक करके किनारे किया जा रहा है, एक तरह की साजिश चलाई जा रही है? तो मुझे लगता है कांग्रेस अपने गिरेबान में अगर जब तक आकेगी नहीं, तब तक वो हिंदुस्तान कैसा है, हिंदुस्तान की जनता कैसी क्या चाहती है, इसको नहीं समझ पाए। आप उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस के नेता बड़ी बातें कर रहे हैं, वो शायद ये भूल गए कि उनका जो आखिरी गढ़ उत्तर प्रदेश में बचा था रायबरेली,
उस रायबरेली में भी उनके जो पिछले विधानसभा चुनाव में दो विधायक जीते थे वो दोनों के दोनों विधायक आज पाला बदलने की हालत में। राकेश सिंह भी पार्टी विप के खिलाफ विधानसभा का जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें शामिल हुए थे, और अजीत सिंह जो उनकी बहुत तेज तर्रार नेता मानी जाती थी, राहुल गांधी ने कई तरह की जिम्मेदारियां उनको दी थी, प्रियंका गांधी की वो लेफ्टिनेंट के तौर पर मानी जाती थी, उन्होंने आकर विप का उल्लंघन करते हुए विधानसभा के विशेष सत्र में भाग दिया और कहा कि मैं गांधी जी के आदर्शों पर चलती हूँ, इसके लिए सत्र हुआ था, मैं उनके साथ मेरे अपनी गरीब जो मेरे वोटर हैं उनके साथ, और इसके लिए अगर पार्टी कुछ भी करना चाहती है मैं तैयार हूँ। तो आप अगर इतनी अंदर की बातों को समझने को तैयार नहीं होंगे और किसी भांग खाए हुए भांग का नशा किए हुए व्यक्ति की तरह सपने देखते हुए ये सोचते रहेंगे कि सब आपकी झोली में आके वोट गिरेंगे और आप सत्ता का सुख लेंगे और आप सरकारें बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक गलतफहमी में जीने का जीने की बात है, उसके अलावा कुछ। डॉक्टर विजय खैरा सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, और साथी जो एक आरोप अभी ये बार बार हसीब अहमद साहब की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी के सामने अब दिक्कत यही है कि जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं, खासतौर पर चाहे वो महंगाई के मोर्चे की बात हो या फिर और भी जो बातें हैं उनको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, रोजगार के संकट को लेकर वो प्रश्न कर रहे हैं, कि ये मुद्दे ही बीजेपी की राह में रोड़ा बन जाएंगे। आप कांग्रेस की तैयारियों की बात मत कीजिए, आप खुद की चिंता कीजिए। पहले सबसे पहले हसीब साहब ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी द्वेष से काम कर रही है इनके लोगों के साथ, तो इसको पहले मैं स्पष्ट ही कर दूं, क्योंकि उन्होंने ऐसा भारी चार्ज लगाया है, अगर चिदंबरम सरकारी खजाने से चोरी करते पकड़े गए तो भारतीय जनता पार्टी क्या करे, ये तो हाईकोर्ट ने कहा है ना, हाईकोर्ट ने तीन तीन बार जमानत एक कह के रिजेक्ट की है कि सफिशिएंट एविडेंसेस हैं उनके खिलाफ, वरना जमानत एक मिनट में होती है, तीन तीन चार बार अभी फिर एक्सटेंड हो गई। देश के वर्तमान के एक मिनट उसी वो वर्तमान ही बात है, अगर आप अगर वो आपने द्वेष की बात की, इसमें द्वेष की बात तो नहीं है, अगर मोतीलाल वोरा नेशनल हेराल्ड में पकड़े जाते हैं सोनिया गांधी के ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है तो इसमें बीजेपी क्या करे, आपने पैसा ट्रांसफर किया हाईकोर्ट ने किया, अब आइए महाराष्ट्र पर आप एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और शरद पवार के ऊपर चार्ज लगा है, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको बहुत मौका मिलेगा, हमसे तिगना मौका आपको देते हैं, इसीलिए कि आज आप वीक विकेट पे हो, आप मौका दे रहे हैं आपको, आपको देंगे। ये महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आपको कांग्रेस पार्टी को एनसीपी से मिलकर चुनाव लड़ना है, एनसीपी की दम पहले भी कांग्रेस से ज्यादा थी, पिछले से पिछले विधानसभा में उनके पास सीटें ज्यादा जीती थी, शरद पवार की पार्टी ने फिर भी इन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया था, तो एनसीपी के साथ लड़ रहे हैं और शरद पवार की इमेज की हालत ये हुई है आज की हाईकोर्ट के आदेश पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे पीछे अब जो भी हो उनका ईडी के ऊपर मैं नहीं जानता इंक्वायरी पर, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया है बेईमानी का, और यहाँ तक कि उनके भतीजे अजीत पवार भी पार्टी से सब जगह से इस्तीफा दे दिए, वो इस बात से दुखी है कि हम लोग सब इसमें पकड़े गए हैं, तो आप उस पार्टी के साथ तो आप चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं जो अपने स्पष्ट रूप से अभियान बदनाम हो गई है। दूसरी बात, वहां का जहां तक नेता का सवाल है, आधे से ज्यादा नेता पहले आपके बदनाम हो चुके हैं, अशोक चव्हाण चुनाव लड़े चाहे पृथ्वीराज चव्हाण को रिपीट कर रहे हैं, क्या बीजेपी से कोई बातचीत हुई है क्या उनकी? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अब सिद्धू से कोई बातचीत हुई थी क्या? सिद्धू ने जिस तरह हरकतें की हैं, निरुपम सिद्धू और गुजरात के भी एक दो नेता अच्छी तरह जानते हैं, पार्टी बदल के इधर से दरअसल आजकल ये सवाल लाजमी हो जाते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि जब भी किसी पार्टी का कोई नेता अपनी पार्टी के खिलाफ विरोधी बयान देने लगता है तो लोग ये कयास लगाने लगते हैं कि कहीं जनता पार्टी में तो नहीं जा रहे। निरुपम जहां भी जाएंगे ही इज ए लायबिलिटी लाइक सिद्धू, सिद्धू जहां जाएगा पार्टी सपोर्ट कर गया, बीजेपी में उनके लिए कोई जगह नहीं, बीजेपी में कोई जगह नहीं। ठीक, एक बात मैं कहूंगा कि जब भी कोई तीखे सवाल आते हैं किसी नेता के द्वारा पार्टी के विरुद्ध, तो कहीं न कहीं उसकी एक पृष्ठभूमि पहले से तैयार रहती है कि यहाँ से मैं हटूंगा तो कहाँ जाऊंगा, वह खाली रिक्त स्थान करके कहीं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। यह मान कर चला जाए कि चुनाव की मैदान में ही निरुपम जी कुछ न कुछ अपना कारनामा करेंगे। ऑप्शन क्या बचता है, बीजेपी या शिवसेना? शिवसेना भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है, नेताओं के लिए कोई अब सिद्धांत की बात नहीं है। पार्टी छोड़ना और पार्टी दूसरी पार्टी नहीं, लेकिन वो नेता भी क्या करें, वो नेता भी क्या करें जो वर्षों से पार्टी के साथ किसी उम्मीद के साथ जुड़े हुए और एन वक्त पर पता चलता है कि पार्टी में तो कदरी नहीं है, तो उनके पास विकल्प भी क्या बचता है? निरुपम साहब के साथ स्थिति है कि इनके कार्यकर्ता भी हट चुके हैं इनके पास,
कार्यकर्ता जो पूर्वी कार्यकर्ता थे इनके साथ पूर्वांचल के, आज की डेट में नहीं है, तो अब इनको अकेले कहां जाएंगे? अकेले यहां भी रहकर सार्थक नहीं है, तो अपनी इज्जत और मर्यादा बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये अपना कुछ रास्ता ढूंढेंगे जरूर। गोविंद जी, ये कांग्रेस कैसे देश की जनता को ये मैसेज देने में कामयाब रही, खासतौर पर इन दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, कि कांग्रेस में अभी भी दम बाकी है? ये दम सिर्फ बताने से होगा या दम अगर है तो वो दिखना भी चाहिए चुनाव के दौरान? देखिए, अगर दम किसी भी राजनीतिक दल का दम उसके कार्यकर्ताओं के बूते पर होता है, किसी भी राजनीतिक दल में दम उसके मुद्दों के बूते पर होता है, और किसी भी राजनीतिक दल में दम उसके संगठन के बूते पर होता है। आप अगर इन दोनों राज्यों को देखिए तो इन दोनों राज्यों में पार्टी के पास न मुद्दे दिखाई देते हैं, न पार्टी के पास संगठन दिखाई देता और न पार्टी के पास कार्यकर्ता दिखते। तो ऐसे में दम आएगा तो आएगा कहां? राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर पार्टी के पास जो कुछ भी नेतृत्व है उसमें इतनी क्षमता नहीं दिखाई देती कि वो कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सके। सोनिया गांधी ने बहुत वर्षों तक कांग्रेस को किसी तरह से जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है वो अब शायद इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो उस तरह की सक्रियता आगे बरत सकें, उस तरह से सक्रिय रह सकें। राहुल गांधी का जो प्रयोग पार्टी ने किया था उपयोग सफल होता हुआ नहीं दिखाई दिया, और पार्टी किसी अपने घराने से जो गांधी परिवार है उससे बाहर इस नेतृत्व को तलाशने की कोशिश नहीं करती और इतना साहस नहीं करता। पार्टी की नेतृत्व जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, आपको याद होगा अक्षय, जब एक बार राहुल गांधी जब अध्यक्ष पद के लिए उनकी निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई थी तो एक पूनावाला एक थे जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, सिर्फ इच्छा जाहिर कर देने पर उनका उनकी गुस्ताखी पर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा, जबकि वो परिवार के करीबी रिश्तेदारों में से भी माने जाते। तो जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र ऐसा हो, जिस पार्टी में संगठन की स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई हो, जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं का अभाव हो, वो पार्टी मुझे नहीं लगता कि उसके लिए किसी भी चुनाव में, चाहे उसके पक्ष में किसी भी तरह की हवा दिखाई दे रही हो, चुनाव जीत पाना उसके लिए संभव मुझे नहीं दिखाई देता। और कांग्रेस के साथ बिल्कुल यही स्थितियां इस वक्त जी। हसीब अहमद साहब, क्या कहिएगा? और चुनाव से पहले लगातार जिस तरह से कांग्रेस और महाराष्ट्र में खासतौर पर एनसीपी के साथ आप लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, एनसीपी से भी लगातार भगदड़ मचना, ये शुभ संकेत मानती है क्या पार्टी? देखिए, कांग्रेस अपने सिद्धांतों से पीछे हटने वाले नहीं है। कांग्रेस इस देर में भयमुक्त समाज को करने का दावा रखती है। कांग्रेस पार्टी इस देश की लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी के साथ आज वही दल साथ दे रहे हैं जो इस देश के संविधान को बचाने के लिए आगे सबसे प्रथम पंक्ति में। सुनिए ना, जिनके साथ आप लोगों ने पिछले चुनाव मिलकर लड़े वो आज की डेट में ये कहते हैं कि इससे बड़ी धोखेबाज पार्टी नहीं है, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, बैठ करके रखी जाएगी। सुनिए ना, मगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस एजेंडे को, पार्टी के अंदर की बात को, अंदर के मसले को उठा करके अपने कारनामों पर और अपने कर्मों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और हरियाणा में विकास के मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? अभी पूरा महाराष्ट्र सवाल तो हम यही उठा रहे हैं कि आप लोग उन मुद्दों पर घेर क्यों नहीं पा रहे? हसीब अहमद साहब, नाम लेकर हम यही तो अब आप मूल जल को पकड़ पाए। जनता पार्टी महंगाई के मुद्दे पर महाचुनाव सुनिए ना, हम यही तो कह रहे हैं कि मूल बातों को कांग्रेस पार्टी पकड़ क्यों नहीं पा रही है? आप लोग आपस में उलझ कर रह जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस बार तो चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार पर ही विश्वास करते हैं। ये चिन्मय आनंद और कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का प्रयास करेंगे। अहमद साहब, आप इन सवालों से भाग क्यों रहे हैं? नहीं, हम भाग नहीं रहे हैं। हम तो जनता का सवाल जवाब सर देंगे। आपने कहा कि जो भी लोकतंत्र बचाने वाले राजनीतिक दल है वो हमारे साथ में रहते हैं। ये चुनाव तक ही सीमित क्यों रहता है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद वही दल ये सीधा आरोप लगा देते हैं कि इससे बड़ी कोई धोखेबाज पार्टी नहीं है? इस बात में भी कोई गारंटी है क्या कि एनसीपी और कांग्रेस की रिश्तेदारी ज्यादा वक्त तक चल पाएगी, जैसे चुनाव नतीजों तक, 24 अक्टूबर तक? देखिए, नतीजा जब आएगा अक्षय जी, तो मैं चाहूंगा दोबारा आपके साथ इसी डिबेट में बैठा जाए।
नतीजे जब आएंगे तो आप भी शायद वहीं पर होंगे और मैं भी शायद यहीं पर हूँ। चलिए आपका तो पता नहीं, लेकिन हम इतनी गारंटी जरूर देते हैं कि हम तो यहाँ पर जरूर रहेंगे और चुनाव नतीजे जिसके भी पक्ष में आए उस पर चर्चा तो होगी, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं आने के बाद पूरा देश देखेगा कि आखिर किस तरीके से भारतीय जनता तैयारियों की बात पर आ जाती है। एक तरफ एक ऐसा माहौल बनना किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ, जहां पर ये महसूस करने लगे पार्टी कार्यकर्ता कि वो हताश है, वो निराश है, पार्टी में उनकी अगुवाई करने वाला नेतृत्व जो है वो ठीक नहीं है, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, यानी जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता अगर हतोत्साहित हों तो फिर कैसे उम्मीद की जाए कोई पार्टी आगे बढ़ पाएगी? ये ख्याली पुलाव से ज्यादा है क्या? केवल एक ख्याली पुलाव है कि हम सत्ता में वापसी करेंगे, बाकी सतही तौर पर जो इनके वोट बैंक थे वो अब नहीं रहे इनके पास। शुरू से ही कांग्रेस का एक वोट बैंक पर अधिकार रहा और उसी को लेकर ये 2014 तक चले। 2014 में मोदी के बाद आगमन के बाद वो वोट बैंक इनका खिसक गया है। अब इनके पास कोई नीतिगत ऐसा कोई कास्ट सिस्टम नहीं है जिसको कि ये पकड़कर अपनी राजनीति को सरवाइव कर पाए। कॉमन वोट जो होता है वो इनसे हट चुका है। जिस आधार पर ये अपने हामी भरते कि मैं सत्ता में वापसी करूंगा, वो राजनीतिक समीकरण इनसे दूर है। चाहे हरियाणा में जाटों की स्थिति ले लीजिए, एससी के ले लीजिए, ब्राह्मण के ले लीजिए, अहीर के ले लीजिए, या राजपूत के ले लीजिए, गुर्जर के लीजिए, सैनी समाज के लिए, कंबोज, इन जातियों के जो इनके नेता थे वो पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। ये जो इनके वोट बैलेंस बैंक थे वो कट चुके हैं और विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो भाजपा के साथ जा चुके हैं। और यह चुनाव जो अभी तक का समीकरण है और जो पार्टी का रचनात्मक दृष्टिकोण कांग्रेस का इस समय है, उस दृष्टिकोण से हमको नहीं लगता है कि आगे सर्वाइव कर पाएंगे। बड़े संक्षेप में डॉक्टर खैरा साहब, एक हुड्डा साहब से कितनी चुनौती आपको हरियाणा में लग रही है, और दूसरा एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन महाराष्ट्र में हुआ है उससे चुनौती मान रहे हैं या अति आत्मविश्वास में है? एक सेकंड अक्षय जी, चूंकि इन्होंने अभी एक बात ये बोली थी हसी भाई ने, ये बोली थी कि चिन्मयानंद के बारे में, तो ये एक लाइन ही बोलूंगा मैं, चिन्मयानंद के खिलाफ हमने इंक्वायरी की, जेल भेज दिया, गिरफ्तार कर दिया, पार्टी से निकाल दिया एक तरफ, दूसरी तरफ चिदंबरम बंद हो गए, जेल में हो गए, जमानत नहीं हो रही, चोरी में एविडेंसेस प्राप्त हो रहे हैं, उसके बाद इनकी पार्टी ये कह रही है मैं सोनिया गांधी के कि हम उनके साथ खड़े हैं, यानी ये फर्क है दोनों में। अब आप जो कह रहे थे एनसीपी की बात, तो ना एनसीपी इस समय कांग्रेस पे लाइबिलिटी है, अब जिस पे भी जाएगा वो लाइबिलिटी है, क्योंकि एनसीपी ने अपनी साख खो दी है। अब उसके इतना बुरा हाल तो वैसे संगठन में हुआ ही हुआ, उसके नेता छोड़ के चले गए और ये गिरफ्तारी के बाद उनके अपने सगे भतीजे वगैरह, मतलब इतने बड़े नेता, अजीत पवार कोई छोटा नेता नहीं है महाराष्ट्र का, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए हैं। इन हालातों में हमको नहीं लगता कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा होगा, नुकसान ही होने वाला है दोनों को आपस में, और हम लोग तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विकेट पे खड़े हैं, 50% वोट अभी ले आए थे लोकसभा में। चले बिल्कुल एक फाइनल इलेक्शन में गोविंद जी आपसे संक्षेप में लेना चाहूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन जनता उस विपक्ष को भी विकल्प के तौर पर देख सकती है क्या, जो बिखराव में हो, जो खुद बिखरा हुआ हो, कैसे यकीन करें? देखिए अक्सर चुनाव में जो नतीजा है वो भावनाओं पर नहीं, वोटों के आधार पर नतीजे सामने आते हैं, और अगर किसी राजनीतिक दल में चाहे वो विपक्ष में हो, अगर उसमें उम्मीदवार सही नहीं होंगे, उसके पास मुद्दे नहीं होंगे, उसके पास संगठन नहीं होगा, उसके पास मशीनरी नहीं होगी, और एक हताश और निराश माहौल में वो चुनाव लड़ रही होगी, तो वो कैसे लोगों का विश्वास जीत सकती है? ये अपने आप में सोचने की बात है। लोकतंत्र में ये ठीक है कि पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, और विपक्ष के पास हमेशा सत्ता पक्ष की कमियों के बूते पर अपने को स्थापित करने का अवसर होता है, लेकिन उस अवसर के लिए आप कम से कम खुद तैयार तो हो। आज का जो विपक्ष है वो अगर तैयार कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और अगर हम सिर्फ कांग्रेस की बात करें जो इन दोनों राज्यों में एक बड़ा राजनीतिक विकल्प था, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, एक बड़ी राजनीतिक शक्ति थी, वो अगर सही से भी तैयार नहीं दिखाई देती और परिस्थितियां लगातार बिगड़ती जाती, आप जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है या जो आज हरियाणा में हो रहा है, गुटबाजी
असंतोष कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच का मनमुटाव, ये क्या आज की बात है? ये तो चुनाव के 6 महीने 8 महीने पहले से चीजें सामने आ गई, लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई दे रही। संजय निरुपम का गुस्सा लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिखाई दिया, अशोक तंवर तब भी असंतुष्ट थे, लेकिन आपने कोशिश नहीं की आप चीजों को ठीक करने की तरफ जाते। अब आप उम्मीद ये लगाएं कि फल से पेड़ से फल पकेगा और हमारे मुंह पर गिरेगा। चले बिल्कुल, यानी आपको लग रहा है कि सिर्फ चमत्कार के भरोसे बैठना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत ये बताती है कि पार्टी चुनाव में कितनी मुस्तैदी के साथ कितनी मजबूती के साथ लड़ेगी, ये कार्यकर्ता ही तय कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सियासत तो तेज हो गई है, लेकिन सवाल रणनीतियों पर लेकर उठ रहे हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती है, लेकिन कांग्रेस अभी भी लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से सबक लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि ख्याली पुलाव पकाने से ही चुनाव में जीत हासिल होगी, या वाकई में कांग्रेस पार्टी को ऐसे कदम उठाने चाहिए थे कि कम से कम पार्टी की गुटबाजी को रोके, पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करें, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें इन दोनों राज्यों में कम से कम अभी नज़र नहीं आ रही। इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी।